हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपको कंजक्शंस के बारे में बता रहा हूं। कंजक्शंस क्या होते हैं? जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, इनको लिंकर भी कहा जाता है। तो हमें स्पोकन में इनका बहुत यूज करते हैं, कंजक्शन का, एंड, बट, व्हाइल, इवन, इफ, इस तरह के हम बहुत सारे कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो मैं आपको यहां पर कुछ IMP और जो स्पीकिंग बहुत ज्यादा यूज होते हैं और जो कॉमन स्पोकन टर्म्स में यूज होते हैं, तो मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नीदर, डेड, डैश, नोर। कुछ इसको प्रोनाउंसिएशन नाइदर नोर भी पढ़ते हैं। वैसे ये नीदर नोर भी सही है, नाइदर नोर भी सही है, दोनों ही सही हैं। नीदर नोर इसको हिंदी में बोलेंगे तो ना तो ना ही। अगर जब हमें किसी सेंटेंस जब हम बात कर रहे हैं और हम बोले ना तो और ना ही, तो यहां पर आपको क्या यूज करना चाहिए? नीदर नोर करना चाहिए। जैसे मैं कहूं ना तो मैं टीवी देखता हूं और ना ही मैं न्यूज सुनता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे? नीदर आई वॉच टीवी नोर न्यूज। या ऐसे ही बोल सकते थे कि नीदर आई वॉच टीवी नॉर लिसन न्यूज। ये समझ में आई आपको बात? मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, जैसे मैं एक ही हूँ लेकिन मैं दो काम नहीं करता, तो इसलिए आप पहले जो पहले काम नहीं करते उसमें लगाएंगे आप नीदर, नीदर आई वॉच टीवी। ये पूरा सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल लिखना है नॉर और इसके क्या नहीं करते आप, लिसन न्यूज। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ना तो मैं झूठ बोलता हूँ ना ही मैं झूठ सुनता हूँ, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? नीदर आई टेल आ लाई नॉर लिसन, नॉर लिसन। ना तो मैं झूठ बोलता हूँ ना तो मैं झूठ सुनता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नीदर आई टेल आ लाई नॉर लिसन। इस तरीके से, तो इस तरह के सेंटेंस पर आप नीदर नोर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट था, अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, जैसे ना तो रमेश खाना बनाता है ना सुरेश खाना खाता है, तो ये दोनों अलग अलग बात आपको बोलनी है। इसी तरीके से ना तो रमेश खाना बनाता है और ना सुरेश खाना खाता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? नीदर रमेश कुक्स फूड नॉर सुरेश टेक्स फूड। आप यहाँ पर टेक्स भी बोल सकते हैं और हैव भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये चीज समझ में आई आपको? या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आपके सब्जेक्ट चेंज है और लेकिन बात एक ही की हो रही है, ना तो रमेश टीवी देखता और ना तो सुरेश टीवी देखता है, तो इसको बोलेंगे नीदर रमेश नॉर सुरेश वॉच टीवी। समझ में आई बात? नीदर रमेश नॉर सुरेश वॉच टीवी, मतलब सब्जेक्ट अलग अलग थे लेकिन काम एक ही हो रहा था, इसको ऐसे बोल दिया। सब्जेक्ट आपका एक ही हो लेकिन बात अलग अलग हो रही है, तो ऐसे बोलना है। तो इसी के तरीके से आप नीदर नोर का कई बार यूज कर सकते हैं। सेंस क्या बनता है? ना तो ना ही, ठीक है। अब इसी के साथ हम कंजक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब आता है ईदर और। जैसे नीदर नोर नेगेटिव होता है, ईदर और पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है या तो या ये। जैसे नीदर नोर का मतलब था ना तो या नहीं, तो वैसे या तो या यही, ऐसे आपका ईदर और का यूज होता है। जैसे मैं बोलूं कि या तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ या तो मैं हॉकी खेलता हूँ, या तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ या तो मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसको कैसे बोलूँगा मैं? ईदर आई प्ले क्रिकेट और हॉकी, ईदर आई प्ले क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। जैसे या तो मैं खाना बनाऊँगा या तो मैं पढ़ाई करूँगा, या तो मैं खाना बनाऊँगा या तो मैं पढ़ाई करूँगा, तो ईदर आई कुक फूड, ईदर आई कुक फूड और डू स्टडी। समझ में आई बात? ईदर आई कुक फूड और डू स्टडी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपके दो सेंटेंस हो सकते हैं और एक कोई काम हो सकता है। या तो रमेश क्रिकेट खेल ले या तो सुरेश क्रिकेट खेल ले, या तो रमेश खेल ले या तो सुरेश, तो इसको कैसे बोलेंगे? ईदर रमेश और सुरेश प्ले क्रिकेट, ईदर रमेश और सुरेश प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप ईदर और नीदर नोर का यूज कर सकते हैं। तो होप यू गाइस आपको इस कंजक्शन के इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो और मोर यूजफुल कंजक्शन है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, बाकी सब लोगों को ये कोर्स जरूर रिकमेंडेड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।